सुदीप जी के बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि सुदीप जी ने सेट पे हर कलाकार को उसके कैरेक्टर के दायरे के अंदर फ्रीडम दी है कि आप क्या करना चाहते हैं, और उसमें जो इन्होंने एक समझदार डायरेक्टर की तरह से कोई जिद नहीं की, छान लिया कि ये अच्छा है फिल्म के लिए, बोले आप ये कर सकते हैं, उससे सब कैरेक्टर्स बहुत उभर कर आए। एक बात। दूसरी बात जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हालांकि ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए पर मैं बोलूँगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इनकी राइटिंग इतनी अच्छा है ना, इतना बढ़िया लिखते हैं डायलॉग वगैरह ये, कि उसमें आपको कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और जैसे इन्होंने बताया, मैंने नहीं कहा था ऐसा, जैसे शायद कहा भी हो कि इस कैरेक्टर को मैं ही करूँगा जब भी फिल्म बनेगी, वरना मैं आपकी हत्या कर दूँगा, तो आज मैं बोल रहा हूँ अगर उन्होंने कोई भी फिल्म मेरे बगैर बनाई तो मैं इनकी वाकई हत्या कर दूँगा। कैमरा पे बोल रहा हूँ सर, मैं आपकी ऐसा ना कोई और मार दे साला मेरे घर पड़ जाए, कोई फिल्म नहीं बनेगी, अब तो बनेगी ना। चल ये बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छे प्यारे इंसान है, बहुत मजा आया। जीत उपेंद्र जी का जहाँ तक सवाल है, उनकी पहली हिंदी फिल्म जीत बाबू शायद वही थी, डॉन टू इनकी पहली फिल्म थी, जिसमें कि सब गाने बहुत पॉपुलर थे, वो हवा हवा है वा ए हवा, वो पाकिस्तानी सिंगर के सब इन्हीं के ऊपर पिक्चर आई हुए थे, हीरो थे। उस फिल्म में भी मैंने इनके साथ काम किया था, इनकी पहली फिल्म में भी। और मुझे एक बहुत खुशी होती है एक बात की, क्योंकि हर फिल्म में विलेन लोग हैं, पिटते ही हीरो से बाद में, तो ज़्यादातर फिल्मों में पिटे हैं, तो मैंने 3 हीरो की पिटाई की फिल्मों में। जो मुझे अभी एयरपोर्ट में कहीं शूटिंग के लिए गया था, तो एयरपोर्ट पे पुलिस वाले बोले अब वही तो नहीं जो उस फिल्म में अजय देवगन की पिटाई करते, मैंने कहा बिल्कुल वही हूँ भाई, भाई जोर से पूछ तो सारे सुने के मैंने पिटाई करी अजय देवगन की, अजय देवगन। दूसरा सुनील शेट्टी मुझे बोले एक फिल्म थी कृष्णा, तो उसमें एक्शन था, मैं एक तरफ वन साइडेड में उसको मारता हूँ, तो इंटरव्यू में बोले वो जब लंच हुआ तो बोले सुनील कि ब्रिज जी आज पहली बार मालूम पड़ा कि आप विलन लोग कैसे काम करते होंगे। तीसरी खुशी मुझे इस बात की है, ये हीरो हैं हमारे यहाँ बैठे, बहुत प्यारा इंसान है जीत उपेंद्र, इनकी मैंने उस पर पिटाई की थी डॉन में, तो इनके साथ अच्छा रहा। शिवा बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ भी पहले काम किया है। तेजू के साथ बहुत बरसों से, तेजू मेरे पड़ोसी भी रहे हैं पहले, तो सबसे परिवार की तरह से संबंध रहे और अच्छा काम करने को मिला। धन्यवाद। तो सुदीप जी तब सर OTT आएगी, अभी राइट नाउ तो नहीं। कोई पार्ट टू आपको दिखा है, वो भी रिलीज पे 8 मार्च, वो भी तैयारी है। सर आपने सुदीप सर के बारे में प्रोजेक्ट के बहुत सारे कलाकार भी, प्रश्न आपका क्लियर नहीं है सर मुझे। आपके कलाकार भी हैं, और भी कलाकार जो आपको जानते पहले से, जी जी जी, कैसा अनुभव था काम करने का? जैसा कि मैंने पहले बताया सुदीप जी के बारे में, सुदीप जी अनुभव सर अच्छा है, लेकिन अभी भी ना सर खेल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज है साउथ के, कल मुझे सेंसर सर्टिफिकेट हिंदी वर्जन का मिला है, आज सुबह 12:30 बजे कन्नड़ वर्जन की एप्लीकेशन गई है, इसके बाद मलयालम है, तभी कन्नड़ का ही सर्टिफिकेट टाइम पर मिलेगा कि नहीं हमें मालूम नहीं है, तो मलयालम तो अभी सोच ही नहीं रहा हूँ, तो थोड़ा उसमें फंसा हुआ हूँ अभी। खुशी हो जाती है अगर वो सब एक साथ हो जाता, क्योंकि हमने 12 अगस्त को अप्लाई की थी, बट कल जाके हमको हिंदी का मिला सिर्फ ओनली, कन्नड़ अभी आज अप्लाई हुआ, क्योंकि जब तक मदर वर्जन सेंसर नहीं होके सर्टिफिकेट। आजकल OTT का पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव है वो मैं प्ले कर रहा हूँ, और मेन विलन ही समझ लीजिए इसको। सुदीप ने जब स्टोरी मुझे सुनाई थी तो बहुत ही अच्छी लगी, मैंने तो उसको स्ट्रेट हाँ कर दी, क्योंकि इतना पावरफुल रोल है कि जो अब मैं रिवील नहीं करना चाहता कि चट्टान 1 में उसका एंड क्या है, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है पार्ट 2 में भी सर्वाइव करता है, मतलब पार्ट 1 में कितना हैवी होगा वो आप लोगों के ऊपर देख के मालूम पड़ जाएगा। मेरी किरदार के बारे में तो ये था कि जब दादा ने मुझे बताया कि आप ये रोल कर रहे हैं तो वेरी मच पॉजिटिव, और दूसरी बात ये कि तो मेरा ये सवाल था कि आपने मुझे क्यों चुना, तो उन्होंने बताया कि जीत उपेंद्र एक चट्टान का कैरेक्टर है, एक चट्टान दूसरे चट्टान के साथ टकराता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो जीत का सुपीरियर है, मतलब पुलिस फोर्स में वो उसका बॉस है ना, तो उसका भी इतना ही पावरफुल पर्सनैलिटी होना चाहिए कि जिसके अंडर में ही अगर चट्टान जैसा कैरेक्टर है तो बॉस भी इतना ही पावरफुल होना चाहिए, जो स्क्रीन पे एक अथॉरिटी लगनी चाहिए, एंड इज कम्प्लीटली पॉजिटिव जो सेकेंड हाफ में
जो अब सेकंड पार्ट होगा उसमें डेफिनेटली वो रजनीकांत जी को सपोर्ट करता है एंड उस चट्टान को और बढ़ावा देता है। तो जितना नेगेटिव फोर्स पावरफुल हो उतना ही पॉजिटिव पावरफुल होता है। तो कहने का मतलब है कि जितना बड़ा चट्टान सामने वो चट्टान बनना चाहिए, चाहे वो एक हाथ हो, दो हाथ हो या पाँच हाथ। बेसिकली इट्स अ रिवेंज स्टोरी एंड 90s की कहानी है। तो डेफिनेटली आपने भी फिल्म देखी, गाने वाने सब इतने भी अच्छे हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव है हर चीज़ उस किस्म से शूट की गई है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म में एक एंटरटेनमेंट है, सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। मेरे हिसाब से ये है कि अ वेरी ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिसर है एंड हैज वेरी गुड एक्शन एंड इमोशंस। द सॉन्ग्स आर रियली वेरी गुड एंड दे आर फैंटास्टिक टू हियर। तो आई थिंक निर्माता भी हैं, क्या कहना चाहिए, जी अनुभव कैसा था फिल्म में जुड़ने का? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रोड्यूसर भी है, एक्टिंग भी किया है, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए दोनों रोल निभाना एक टाइम पे, अगर उस बारे में कुछ चैलेंज? मेरा टीम ऐसा है कि मैं प्रोड्यूसर का टेंशन मुझे कम ही रहा, मैं एक्टिंग में ही ज़्यादा ध्यान दे पाई क्योंकि मेरे जो टीम है, टेक्निकल टीम और मेरे प्रोडक्शन की टीम, वो मुझे कभी सेट पे नहीं परेशान करते थे कभी। सर आपसे जानना चाहूँगा पुलिस ऑफिसर के किरदार में क्या क्या तैयारी करनी पड़ी और क्या क्या प्रिपरेशन लगी, अगर उस बारे में कुछ बताएं? तैयारी तो इतना ही था कि आई जस्ट फॉलोड सुदीप दा, माई डायरेक्टर, उन्होंने जैसे बोला आई ट्राई टू डू दैट। सुदीप दा वॉन्टेड दिस कैरेक्टर टू बी मोर रियल एंड ओवर द टॉप नहीं है, तो डेफिनेटली एक डिफरेंस तो है। तो लेट्स होप पीपल लाइक इट। एक्शन काफ़ी रियल लग रहा है, अगर इस बारे में कुछ बताएं कि बिहाइंड द सीन किस तरह का माहौल था? बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द सीन्स तो बहुत अच्छा माहौल था, इट वाज लाइक अ फैमिली एंड एक्शन जैसे मास्टर जी ने बताया वैसे किया एंड वी स्टक टू द 90s स्टाइल ऑफ फाइटिंग। जैसे पार्ट टू में इट इज़ लाइक 2015 के हिसाब से फाइट सीक्वेंसेस हुए, बट 90s में जिस टाइप के फाइट्स थे और पंचेस थे उसी स्टाइल में रखे। आपसे जानना चाहूँगा इन दिनों जो एक्ट्रेस जो है चेंजेस, खुद में चेंजेस करने को थोड़ा डरती है, आपने जो है अपना वेट भी कम किया और इतना अच्छा किरदार भी निभाया, अगर कुछ बताएं उस बारे में, कि प्रोसेस के बारे में अगर बात करें और अगर बताएं कि कितना ज़रूरी है ये करना कि किरदार को लेके किस तरह की प्रिपरेशन की? किरदार को लेके असल में अगर कोई आर्टिस्ट है, कोई भी परफॉर्मर है, तो उसको जब कोई किरदार दिया जाता है, कंसेप्शन होता है राइटर का, डायरेक्टर का, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए एज अ ओबीडियंट स्टूडेंट। अगर वो बोलते हैं कि ये करना है, अगर आप उस कैरेक्टर को करने के लिए राज़ी होते हैं, तो अगर डायरेक्टर बोलते हैं कि इसके लिए मुझे ये चाहिए, मुझे आपका वेट पुट ऑन करना है या आपको नेचुरल दिखना है, घरेलू दिखना है, सो वो पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए। हमने गाना देखा, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है आप लोगों की, अगर उस बारे में कुछ बात करें आप लोग की किस तरह की बॉन्डिंग थी ऑन सेट? अगर वी हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली तो एकदम कंफर्टेबल। मैम आप अगर कुछ बताएं केमिस्ट्री के बारे में? बस केमिस्ट्री तो वही, एक दूसरे को बहुत पहले से ही हम लोग जानते हैं, सुदीप जी के बहुत पुराने दोस्त हैं जीत जी, और जीत जी को तो मैं कॉलेज टाइम से ही मतलब फिल्मों में देखती थी, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनके अपोजिट काम करूँ। मेरे पापा नहीं रहे, 29 मार्च को वो चले गए, वो नहीं रहते तो ये फिल्म नहीं बनती, और वो हमेशा यही कहते थे, मतलब बीच में कोरोना आ गया था ना, कि फिल्म को रिलीज़ करो, ये उनका ये था, सपना था। तो अभी तो वो नहीं है, मम्मी तो 10 साल पहले चली गई, पापा थे, वो पूरा सपोर्ट रहता था क्योंकि सेट पे वो हमेशा रहते थे और सबके साथ वो बहुत फ्रेंडली थे, सब उनको पसंद करते थे, तो बस वो नहीं रहे, बस उनका आशीर्वाद है। लास्टली फिल्म कब रिलीज़ करने का प्लान है? 22 सितंबर। कितना कठिन है टू बी ए प्रोड्यूसर एंड मार्केटिंग कितना प्रॉब्लमेटिक है, और क्या आपने फाइनलाइज कर दिया तभी रिलीज होने वाली फिल्म की? 22 सितंबर ऑल ओवर इंडिया, हिंदी एंड साउथ इंडियन लैंग्वेजेस डब्ड। नहीं, आप इसको पैन इंडिया फिल्म बना देंगे? पैन इंडिया फिल्म के हिसाब से नहीं, शुरू से ही प्लानिंग थी, क्योंकि मेरे जो को प्रोड्यूसर हैं गुरु प्रसाद जी, वो बैंगलोर के हैं,
तो कन्नड़ तो होना ही था, साथ में बाकी लैंग्वेजेस भी हम लोगों ने बहुत पहले से शुरू से, तब ये पैन बाहुबली आई भी नहीं थी तब से हम लोगों ने डिसाइड लैंग्वेजेस, आई मीन हर लैंग्वेज में डब किया, गाने भी अलग अलग लैंग्वेज में, सब वो प्लेटफॉर्म करती हैं तो उनके लिए वो क्रिएटिविटी होता है, तो मैंने किया तो वो मेरे लिए क्रिएटिविटी नहीं है। आम पब्लिक से लेके मीडिया में बहुत लोगों ने यही बोला कि इतनी मोटी हीरोइन क्यों, बट वो फिल्म की ज़रूरत है, रोल का डिमांड था। 90s में ना मध्य प्रदेश की पुलिस ऑफिसर की बीवियाँ ऐसी खाती पीती घर की होती है, जीरो फिगर। और ज्योति जी को देखना बहुत अच्छा लगता है, ज्योति जी को मैं भुला नहीं सकता, आपको देखूंगा उनको भी देखूंगा इसमें। ज्योति जी पहला जो आपने बोला क्यामत से क्यामत तक मुझे देखा था पहले, ये गर्लफ्रेंड्स को बोलने के फोन ऐसे टाइम पर ना किया था जी, थैंक यू सर। वैसे मैं बता दूँ क्यामत से क्यामत तक 88 में 29 अप्रैल को रिलीज हुई थी, मैं 73 से काम कर रहा हूँ, कभी एक सीन कभी दो सीन, क्यामत से क्यामत आई तो मुझे जीवनदान मिला। 73 से 88 तक सिर्फ जूते चप्पल घिसाए और वो फेंकने मुझे रोटी दी, आपको याद है इसकी धन्यवाद। जैसे कि मैं पहले बोला हूँ कि सुदीप जी ने मुझे रोल दिया इस ऐसा रोल और इतना बढ़िया रोल और इतना पॉजिटिव रोल, मतलब कहीं कॉमा खुशते हो भी निगेटिव नहीं है, उन्होंने मुझे रोल दिया उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और मैंने पूरी मेहनत से वो किया है, मैं समझता हूँ कि आप लोग पूरी फिल्म जब देखेंगे तो उसके लिए मुझे कुछ शाबाशी जरूर देंगे। और एक बात और ऑफ टॉपिक बोलना चाहता हूँ, एक शाबाशी हम सब एक्ट्रेस को भी मिलनी चाहिए कि हमारी फिल्म को बनने को थोड़ा समय लगा लेकिन हम सब लोग चट्टान की तरह अडिग रहे और उसकी प्रेरणा हमें सिर्फ इन तीन लोगों से मिली, ईश्वर के दादा, इनके पिताजी चले गए, सुधीर जी और रजनीका जी, ये चट्टान की तरह खड़े थे तो हम सबको लगा कि हम इनके साथ थे और हमने सब ने साथ दिया। और दो लोग जिनका यहाँ जिक्र नहीं है, एक तो अनिल साहब ये खड़े हैं इधर, अनिल पांडे यहाँ है, यहाँ ये सुदीप जी के राइट हैंड मैन है हमेशा से, इस इनके सहयोग के बिना इसमें से एक फिल्म में कुछ भी होना नामुमकिन था। और दूसरे हमारे कैमरा मैन यहाँ नहीं है, राजेश कन्नौजिया जी, उनकी भी तारीफ करूँ, उन्होंने बहुत प्यार से काम किया। कुछ और सवाल पूछे सर, मेरा अगला सवाल जी पूछिए, ब्रिज साहब ने इतना कुछ बोल दिया तो मैं क्या बोलूं, आप अपनी राय रखिए क्योंकि सब पहले लोगों की बात हुई ना था आपको सर। हाँ, विलन करते करते थक गया था इसलिए टीवी ज्यादा कर रहा हूँ आजकल, बट सुदीप ने कुछ बोला नहीं, यादें दिला दी जब रोल सुनाया था तो डन, आई थिंक आई हैव डन अ गुड जॉब, उन्होंने करने का मौका दिया। गाने फिल्म के बहुत सुंदर हैं और ये हमारी अन्नदाता लुसन साहिब, इन्होंने बहुत सुंदर काम किया है और इन्होंने हमारी झोली भर भर के इनको पैसा दिया। हमारे शेड्यूल के बाद अगर हमारे पैसे ड्यू भी नहीं थे, बोला यार थोड़े पैसे तो दे दो, तो फौरन चेक आ जाता था। तेजू जी ये तो खैर बहुत बढ़िया विलन है, हम सब लोग सचमुच एक पिकनिक की तरह इस फिल्म में काम किया और मैं आभार व्यक्त करता हूँ सुदीप जी आपका। इनको मैंने एक नया नाम दिया है जो आप सबने स्क्रीन पर देख लिया है, ये हमारे छोटे मनोज कुमार साहब हैं, हर डिपार्टमेंट में इनका दखल है, बड़ी सुंदरता से निभाया उसको, थैंक यू।